हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज बात करेंगे फीवर, यानी कि टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, बुखार जिसको कहते हैं आयुर्वेद में, ज्वर के नाम से ये रोग वर्णित है। कभी भी हमारे शरीर में कोई विकृति होती है तो बॉडी का जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उस बाहरी उस फॉरेन बॉडी को काउंटर करने के लिए एक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, या कई बार हल्का फुल्का थोड़ा सा आपको ठंड लग गई है उसके कारण, कभी कभार पेट खराब होने से भी बहुत सारे कारण इसके होते हैं। जब भी आपकी बॉडी में कोई विकार आता है, कोई फॉरेन बॉडी, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपका शरीर जो है उसको काउंटर करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए उसमें बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसको आमतौर पर बुखार। मैंने बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी है। आयुर्वेद में जाएंगे तो वातज, पित्तज, कफज, संधिपातज, अनेक प्रकार के ज्वरों का वर्णन है। हम उस टेक्निकल चीज में नहीं जाते हैं क्योंकि आम भाषा में आपसे हम बात करते हैं। जब हम आपको समझाते हैं आम भाषा में तो उसका कुछ आप अप्लाई भी कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो जब आपको फीवर हो जाए तो क्या करें, घबराना नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल एकदम से घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। जैसा मैंने कहा कि बॉडी का एक रिएक्शन है, बॉडी आपकी कुछ जो है उस फॉरन बॉडी को काउंटर, उसको अपोज कर रही है। तो क्या करना है, लाइट खाना खाइए, हल्का खाना। खाना जितना हल्का खाएंगे आपको उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बॉडी आपकी एक प्रकार से एक एबनॉर्मल स्टेट के अंदर है। गिलोय का काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा गिलोय टुकड़ा कूट करके पानी में उबाल करके आधा जब गिलास बचे उसको छान करके पी लीजिए। बुखार के लिए बहुत अच्छा है कि नीम के पत्ते आप सेवन करें, उससे आपको फर्क पड़ता है। करेला यदि मिलता है आपको, करेले का थोड़ा सा रस निकाल करके पी लीजिए। और इसके साथ साथ शरीर को थोड़ा सा आपको कूल रखना, क्योंकि बुखार टेम्परेचर बढ़ा हुआ, खासतौर से तेज बुखार हो तो ठंडे पानी की पट्टी आप सिर पे रखें, हाथों की हथेली पर पानी का टावल जो है उसको रगड़ें, तलवों में आपके ठंडे पानी का टावल भिगो के उसको जो है थोड़ा सा मसाज करें। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बुखार की तकलीफ ज्यादा है तो आपको चिकित्सक से संपर्क करना है और प्रॉपर औषधि उसकी लेनी। डिले नहीं करना चाहिए ज्यादा। कई बार हम जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, दवाई खाई, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके बुखार का कारण क्या है। और आयुर्वेद में जैसा मैंने कहा कि इस विषय पर काफ़ी विस्तार से हर हमारी जो पुरानी संहिताएं हैं, हमारी जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, हर एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक में इसका अच्छी तरह से वर्णन है। और चिकित्सा गजब की है, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं। चिरायता एक बहुत अच्छी चीज़ है। चिरायता थोड़ा सा रात को भिगोएं, सुबह चिरायते का पानी पिए, उससे भी लाभ मिलेगा। ये चीजें आपको मैं होम रेमेडीज इसलिए बताता हूँ कि ये चीजें आप कब तक करेंगे, जब तक आपका संपर्क आयुर्वेदिक चिकित्सक से नहीं हो जाता है। एक बार जीवा आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपका संपर्क जब हो जाएगा तो उस रोग को समझ करके, उसके रूट कॉज को समझ करके उसकी चिकित्सा की जाएगी। हमारा गोल ये है कि हम आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में विस्तार से समझाएं और आप अपने शरीर को आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रख सकें।